हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखाज ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीज़ों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों हमने मेकअप में स्टार्ट किया था कलर थ्योरी की आज क्लास 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेकअप में कलर थ्योरी का ये हमारा सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था कि कलर क्या होता है, व्हाट इज कलर, कलर थ्योरी क्या होती है, कलर व्हील क्या होता है, और मेकअप में कलर थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कलर थ्योरी हमें पढ़ना जरूरी क्यों होता है मेकअप में, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कराया था कलर थ्योरी वाले। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कलर थ्योरी जो वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलर, रंग के प्रकार, रंग कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों कलर हैज 3 कैटेगरीज, 3 तरह के हमारे कलर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग, एंड सेकेंड होता है दोस्तों हमारा सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीय रंग, एंड थर्ड होता है हमारा टर्शियरी कलर यानी कि तृतीय रंग। तो ये 3 तरह के हमारे कलर्स होते हैं कलर थ्योरी में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी कलर्स के बारे में कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। दोस्तों प्राइमरी कलर्स में हमारे 3 कलर्स आते हैं, ठीक है। 3 हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रेड, येलो एंड ब्लू, यानी कि लाल, पीला और नीला। ये 3 हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, जिन्हें हम मूल कलर्स भी कहते हैं, बेसिक कलर कहते हैं, फंडामेंटल कलर्स होते हैं ये हमारे। क्यों कहते हैं हम इन्हें बेसिक कलर, फंडामेंटल कलर्स? क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उन कलर्स को हम किसी भी दूसरे कलर्स को मिक्स करके हम प्राइमरी कलर्स को नहीं बना सकते। प्राइमरी कलर्स को ना हम बना सकते हैं और ना ही हम मिटा सकते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, वो हमें मिलते हैं नेचर से, इसीलिए हम इन्हें खुद से नहीं बना सकते और ना ही हम इन्हें मिटा सकते हैं। जैसे कि रेड होता है वो हमें नेचर से मिला है, कहाँ से? सनराइज एंड सनसेट से हमें मिला है रेड कलर। येलो कलर हमें मिला है आफ्टरनून से, एंड ब्लू कलर मिला है हमें इवनिंग टुवर्ड नाइट से हमें मिला है ब्लू कलर। तो इस तरह से ये बेसिक कलर्स होते हैं, हमारे मूल कलर्स होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनको हम किसी भी दूसरे रंग को मिक्स करके हम प्राइमरी कलर्स को नहीं बना सकते। आगे जितने भी हम कलर्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी कलर, उन सभी कलर्स को हम इन्हीं कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन इन कलर्स को हम किसी भी दूसरे रंग को मिक्स करके नहीं बना सकते। तो क्लियर, ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स, जिसमें हमारे 3 कलर्स आते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं कलर व्हील में रेड, येलो एंड ब्लू। क्लियर। तो प्राइमरी कलर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, प्राइमरी कलर आर द बेसिक कलर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल कलर्स, ठीक है। प्राथमिक रंग वे मूल रंग है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इन्हें मौलिक रंग भी कहा जाता है। तो ये हमारी प्राइमरी कलर की डेफिनेशन हो गई। तो कौन से होते हैं दोस्तों हमारे प्राइमरी कलर्स? रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये 3 हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीय रंग। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं दोस्तों? सेकेंडरी कलर्स हमें तब मिलते हैं जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशो में मिक्स करते हैं, तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी कलर, यानी कि सेकेंडरी कलर्स को हम बना सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे सेकेंडरी कलर्स? ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल, ये 3 हमारे सेकेंडरी कलर है। जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारे 3 होते हैं प्राइमरी कलर्स, है ना, रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 हमारे प्राइमरी कलर्स थे। अब हम जब 2 प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी कलर। जैसे कि रेड एंड येलो को हमने इक्वल रेशो में मिक्स किया तो हमें मिला ऑरेंज कलर, जो है हमारा एक सेकेंडरी कलर, ठीक है। उसके बाद ब्लू एंड येलो को हम इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंडरी कलर, जो है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। ब्लू एंड येलो को मिक्स करने पे कौन सा सेकेंडरी कलर मिला हमें? ग्रीन कलर। उसके बाद रेड एंड ब्लू को हम इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे, रेड एंड ब्लू प्राइमरी कलर को इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा पर्पल कलर, जो है हमारा एक सेकेंडरी कलर। तो इस तरह से प्राइमरी कलर से हमें मिले सेकेंडरी कलर। इसे हम कलर व्हील में भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे प्राइमरी कलर्स का कलर व्हील था, उसके बाद इस वाले कलर व्हील में हमारे प्राइमरी कलर्स के साथ सेकेंडरी कलर्स भी आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा येलो, ब्लू एंड रेड, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स है ना। तो अभी हमने येलो एंड रेड को मिक्स किया तो हमें क्या मिला? ऑरेंज कलर, जो है हमारा सेकेंडरी कलर, ठीक है, इक्वल रेशो में, ओके। उसके बाद
रेड एंड ब्लू को हमने मिक्स किया, दोनों को रेड एंड ब्लू के हमारे प्राइमरी कलर है, इन दोनों प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया हमने इक्वल रेशियो में, तो हमें क्या मिला ये वॉयलेट कलर, ठीक है, पर्पल कलर। उसके बाद दोस्तों ब्लू एंड येलो को हमने मिक्स किया इक्वल रेशियो में, तो हमें क्या मिला ग्रीन कलर, जो है हमारा सेकेंडरी कलर। तो इस तरह से हम कलर व्हील बना सकते हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी कलर्स का, जिससे आपको समझने में बहुत इजी होती है इस कलर व्हील से, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर से हमें सेकेंडरी कलर मिलते हैं, प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशियो में, दो कलर को इक्वल रेशियो में मिक्स करने से हमें मिलते हैं सेकेंडरी कलर, ओके क्लियर। उसके बाद है हमारे दोस्तों, इसको मैं आपको थ्योरी में भी बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम थ्योरी में। तो सेकेंडरी कलर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर आर ऑब्टेन व्हेन वी मिक्स टू प्राइमरी कलर इन इक्वल रेशियो, ठीक है, जब हम दो प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो हमें द्वितीयक रंग मिलते हैं, यानी कि जब हम दो प्राइमरी रंगों को इक्वल रेशियो में, इक्वल इक्वल क्वांटिटी में हम मिक्स करते हैं तब हमें सेकेंडरी रंग मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल हमारा सेकेंडरी कलर है, ठीक है। इस तरह से हम इसे, इस कलर व्हील को आप अपनी नोटबुक पर बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी कलर का कलर व्हील होगा, लाल प्लस पीला संतरी, पीला प्लस नीला हरा एंड नीला प्लस लाल पर्पल। तो इस तरह से ये बन गए हमारे सेकेंडरी कलर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टर्जरी कलर यानी कि तृतीय क्रम। टर्जरी कलर्स क्या होते हैं दोस्तों, हमने प्राइमरी कलर्स पढ़े, प्राइमरी कलर्स कितने थे हमारे, तीन प्राइमरी कलर्स थे ना, रेड येलो एंड ब्लू। उसके बाद सेकेंडरी कलर भी हमारे कितने थे, सेकेंडरी कलर भी हमारे तीन थे, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने पर हमें सेकेंडरी कलर मिला था, सेकेंडरी कलर भी हमारे कितने थे, तीन थे, ऑरेंज वॉयलेट एंड ग्रीन, वो हमारे सेकेंडरी कलर थे। उसके बाद हमारे टर्जरी कलर, टर्जरी कलर्स हमारे कितने, टर्जरी कलर्स हमारे सिक्स हैं, ठीक है। टर्जरी कलर्स हमें तब मिलते हैं जब हम एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर, इन दोनों कलर्स को जब हम इक्वल रेशो में मिक्स करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, इन दोनों कलर्स को जब हम इक्वल रेशो में मिक्स करेंगे तो हमें मिलता है टर्जरी कलर। तो सिक्स टर्जरी कलर्स होते हैं हमारे, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड पर्पल, ब्लू पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। किस तरह से मिलते हैं देखिए, ये हमारा था प्राइमरी कलर, ठीक है, रेड ब्लू एंड येलो। आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में सेट करते जाइए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये हमारा प्राइमरी कलर हो गया, उसके बाद आया हमारा सेकेंडरी कलर, कैसे बना, रेड येलो को मिक्स किया था हमने तो क्या बना था, ऑरेंज कलर है ना। उसके बाद ब्लू एंड येलो को मिक्स किया हमने तो क्या बना, ग्रीन कलर। उसके बाद रेड एंड ब्लू को मिक्स किया हमने तो क्या बना, पर्पल कलर, वॉयलेट कलर है ना। तो इस तरह से ये हमारे तीन हो गए सेकेंडरी कलर। तो इस कलर व्हील में हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर तीनों हो गए। अब क्या होगा, जब हम एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा टर्जरी कलर, ठीक है। जैसे कि हमने येलो एंड ऑरेंज को मिक्स किया, येलो एंड ऑरेंज को हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज, ओके। उसके बाद रेड ऑरेंज, जब हम रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में तो हमें मिलेगा रेड ऑरेंज। उसके बाद जब हम रेड एंड पर्पल को मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में तो हमें मिलेगा रेड पर्पल, ठीक है। उसके बाद जब हम पर्पल एंड ब्लू को मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू पर्पल, ठीक है। उसके बाद हम ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में तो हमें मिलेगा ब्लू ग्रीन, ओके। फिर उसके बाद येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे, येलो एंड ग्रीन, येलो क्या है, प्राइमरी कलर है एंड ग्रीन क्या है, सेकेंडरी कलर है। येलो एंड ग्रीन को हम मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में तो हमें मिलेगा येलो ग्रीन। तो दोस्तों ये हमारा कलर व्हील, इस तरह से हमारा कलर व्हील बनता है जिसमें हमारे तीनों कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर भी, सेकेंडरी कलर भी एंड टर्जरी कलर भी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया पहले प्राइमरी कलर, उसके बाद हमने ये इसमें देखा कि हमारे दोनों कलर्स आ गए, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर दोनों कलर्स आ गए।
अभी हमारे इस व्हील में तीनों कलर आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी तीनों कलर्स आ गए। ये कलर व्हील होता है, व्हील की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे कलर व्हील कहते हैं। और ये कलर व्हील बहुत हेल्प करता है आपको कलर्स को समझने में कि किस कलर को किस कलर के साथ मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा। आपको बहुत अच्छे से कलर जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाती है इस कलर व्हील की हेल्प से। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, ये मैंने आप लोगों के लिए खुद से ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे प्राइमरी कलर कौन कौन से, येलो, रेड एंड ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हो गए। इन दो प्राइमरी कलर्स को जो हमने मिक्स किया तो हमें मिला सेकेंडरी कलर। जैसे येलो एंड ब्लू को हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिला, ग्रीन कलर, ठीक है। ब्लू एंड रेड को हमने मिक्स किया तो हमें मिला वॉयलेट कलर, एंड रेड एंड येलो को हमने मिक्स किया तो हमें मिला सेकेंडरी कलर, ऑरेंज कलर। ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए। अब इसी कलर व्हील से हमें मिलेंगे टर्जरी कलर। कौन से हमारे टर्जरी कलर, जब हम एक प्राइमरी कलर एंड एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है टर्जरी कलर। जैसे ये और येलो क्या है, हमारा प्राइमरी कलर है, एंड ऑरेंज क्या है, हमारा सेकेंडरी कलर है। और येलो एंड ऑरेंज को जब हमने इक्वल रेशो में मिक्स किया तो हमें मिला ये वाला हमारा टर्जरी कलर जो है येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज। उसके बाद तो ये हमारा प्राइमरी कलर है, रेड हमारा प्राइमरी कलर, ऑरेंज हमारा सेकेंडरी कलर। जब हमने इन दोनों कलर्स को मिक्स किया इक्वल रेशो में तो हमें मिला ये वाला कलर जो है हमारा रेड ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा रेड क्या है, प्राइमरी कलर है, एंड वॉयलेट क्या है, हमारा सेकेंडरी कलर है। जब हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को मिक्स किया तो हमें मिला टर्जरी कलर जो कि है हमारा रेड वॉयलेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है हमारा ब्लू क्या है, हमारा प्राइमरी कलर है, एंड वॉयलेट हमारा सेकेंडरी कलर है। जब हमने ब्लू एंड वॉयलेट को मिक्स किया तो हमें मिला ब्लू वॉयलेट जो है हमारा टर्जरी कलर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्लू क्या है, हमारा प्राइमरी कलर है, एंड ग्रीन है हमारा सेकेंडरी कलर। जब हमने ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स किया तो हमें थर्ड कलर मिला जो है हमारा टर्जरी कलर, ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ग्रीन कलर जो है हमारा सेकेंडरी कलर, एंड ये हमारा प्राइमरी कलर येलो कलर। जब हमने येलो एंड ग्रीन को इक्वल रेशो में मिक्स किया तो हमें क्या मिला, येलो ग्रीन जो है हमारा टर्जरी कलर। तो दोस्तों इस तरह से ये जो हमारा कलर व्हील होता है हमारी बहुत हेल्प करता है कलर थ्योरी को समझने में, कलर्स को मिक्स एंड मैच करने में हमें हेल्प करता है। तीनों टाइप्स के जो कलर्स होते हैं हमें उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इस कलर व्हील को हमें अपने माइंड में रखना है। और सभी कलर्स जो होते हैं वो तीनों तरह के कलर हमें अपने आप हमारे माइंड में आ जाते हैं, इस कलर व्हील के माइंड में आते ही। तो बस आप इस कलर व्हील को याद कर लीजिए अच्छे से, इसको बार बार ड्रॉ करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आप इसको खुद से एक बार ड्रॉ कीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारे हो गए टर्जरी कलर। तो चलिए मैं आप लोगों को टर्जरी कलर की डेफिनेशन भी नोट करवा देती हूँ। टर्जरी कलर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, टर्जरी कलर्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी मिक्स वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी कलर इन इक्वल रेशो। जब हम तृतीयक रंग हमें तब प्राप्त होता है जब हम एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को समान अनुपात में मिलाते हैं, यानी कि एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को जब हम इक्वल रेशो में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है टर्जरी कलर। तो दोस्तों ये था हमारा कलर थ्योरी में टाइप्स ऑफ कलर। आई होप कि आपको कलर थ्योरी में टाइप्स ऑफ कलर तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कलर थ्योरी का टॉपिक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसमें काफी सारी चीजें अभी बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी कलर स्कीम। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास ही मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो से आप लोगों को मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इन वीडियो की नीड है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों को, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर, कोई भी आपका डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। टेक केयर, बाय बाय।